कंपनी देखिए कोई भी हो, ठीक है ना, तो उसमें हमको एक, अब क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है, देखिए जरा कॉपी निकालिए, कॉपी निकालिए, क्वेश्चन देखिए। सुनील ने अपना कारोबार 50,000 रुपए से दिनांक 2 मई 2024 को प्रारंभ, ठीक है, सुनील ने अपना कारोबार प्रारंभ किया, ठीक है, तो हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन हम एक नई कंपनी बना करके ये काम करेंगे। सुनील ने अपना कारोबार 2 मई 2024 को 50,000 रुपए से प्रारंभ किया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको टैली में कैसे किया जाए, टैली में कैसे होगा ये, तो टैली ने इसके लिए अलग अलग वाउचर्स डिसाइड किए हैं, अलग अलग वाउचर्स बनाए हैं। यहाँ पर देखिए ये गेटवे ऑफ टैली है, आपके में भी ऐसा ही दिखेगा, हाँ, तो यहाँ पर आपको वाउचर दिखेगा और वाउचर का भी हाईलाइट होगा, देखिए भी हाईलाइट आपके में भी होगा, तो जब भी हाईलाइट है तो आपको खाली कीबोर्ड से भी दबाना है, माउस को टच ही नहीं करना है, माउस मत टच कीजिएगा, कीबोर्ड से भी दबाइए खाली। आप नेविगेशन की भी मदद ले सकते हैं या सीधा भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो हमें अपना फाइनेंशियल ईयर देखना होगा, फाइनेंशियल ईयर कौन से में है हम, ठीक है, हम नई कंपनी ही क्यों ना बना ले, तो यहाँ से F3 प्रेस करके हम नई कंपनी ही बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर करेंगे और यहाँ पर मैं फाइनेंस के नाम से ही कंपनी बना लेता हूँ, फिनांस, ठीक है, तो ये फिनांस के नाम से कंपनी बना रहा हूँ। इसका एड्रेस न्यू कॉलोनी देवरिया ही है, यहाँ पर लिखता हूँ न्यू कॉलोनी देवरिया, यहाँ पर एड्रेस फिल होता है, अब मालूम ही है आपको, तो ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया, तो ये हमारा एड्रेस हो गया। अब एंटर कर दिया, देवरिया की स्पेलिंग सही करनी होगी, यहाँ पे देखिए गलत हो रहा है, DEORIA होता है, DEORIA, ठीक है, अब एंटर करिए। यहाँ पे स्टेट जरूर चूज कीजिएगा, हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के लिए हमें खाली यू प्रेस करना है, क्या प्रेस करना है, यू, तो यू प्रेस करके और यहाँ से उत्तर प्रदेश कर दीजिएगा। यहाँ पर हम अपने लोकल एरिया का पिन कोड डाल रहे हैं, आपके पास वेबसाइट, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, फैक्स वगैरह है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। कारोबार हमारा कब से शुरू हुआ है, सुनील का कारोबार कब से शुरू हुआ है, 2 मई को, लेकिन फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होगा, फाइनेंशियल ईयर तो कभी भी 1 अप्रैल से ही चालू होगा हमारे इंडिया में, हम भारत के रहने वाले हैं, तो भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को एंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर काम हमारा कब से चालू हो रहा है भाई, फाइनेंशियल ईयर तो हमारा 1 अप्रैल से चालू हो रहा है, जो ऊपर हमने यहाँ पे दे दिया है, लेकिन काम हमारा 2 मई से चालू हो रहा है, कारोबार कब से सुनील स्टार्ट कर रहे हैं, 2 मई से, तो यहाँ पर डेट डालिएगा 2/5/2024, ये डाल दिया, एंटर कर दिया। अब लास्ट तक आपको एंटर एंटर करते जाना है, तो एंटर 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 करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, इस तरीके से जैसे मैं करा रहा हूं। तो देखिए ये अब एक विंडो आएगी, ये वाला देखिए लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसमें हमें कोई भी फीचर अभी चालू नहीं करना है, बहुत इनिशियल स्टेज है ना, तो कोई भी फीचर हमें चालू ही नहीं करना है। तो अब आप सीधे क्या करिएगा, कंट्रोल ए कर दीजिएगा, आप कंट्रोल ए कर सकते हैं, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं कि आप एंटर करिए, फिर एंटर करिए, फिर एंटर करिए, फिर एंटर करिए, इस तरीके से एंटर एंटर लास्ट तक करते करते इसको ऑफ रखिएगा और फिर यहां तक एंटर 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 करते, अब देखिए ये पेरोल भी ऑन है तो पेरोल को भी ऑफ ही रखना है आपको, ये लास्ट तक एंटर एंटर करिए, और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, सीधा कंट्रोल ए कर सकते हैं, CTRL के साथ ए दबाएंगे तब भी यही काम होगा, ठीक है, आप सीधा CTRL के साथ ए भी दबा सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कराने के लिए। तो अभी हमारी नई कंपनी फिनांस नाम से बन गई है, ठीक है, इसी कंपनी में हम ये काम करने वाले हैं। तो अभी हमको बाउचर में जाना है, तो बाउचर का क्या हाईलाइट है, भी हाईलाइट है ना, भी अलग कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर में, देखिए, तो यहां से भी प्रेस कर दीजिए। अभी हम आ गए बाउचर में, अभी देखिए ये कौन सा बाउचर है, पेमेंट बाउचर, लेकिन हमें क्या करना है, काम स्टार्ट करना है, अपने कंपनी में पैसा रिसीव कराना है, लगाना है पैसा, तो कौन से बाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट बाउचर में, कौन से बाउचर में, कंपनी में पैसा रिसीव कराना है तो कौन सा बाउचर होगा, रिसिप्ट बाउचर। तो देखिए इसमें रिसिप्ट बाउचर, ये पट्टी सी जो बनी हुई है आपके में भी ये दिख जाएगा, ये जो पट्टी सी बनी हुई है इस पर आपको रिसिप्ट बाउचर दिखेगा, देखिए रिसिप्ट बाउचर दिख रहा है कहीं, ये देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पे आपके में भी दिख रहा है, हमारे में भी है, तो यहां से आपको F6 प्रेस करना है, ठीक है, क्या प्रेस करना है, F6, देखिए रिसिप्ट के बगल में लिखा हुआ F6, तो आपको F6 प्रेस कर देना है और यहां पर आपका क्रेडिट आ रहा होगा, शायद F6 प्रेस करने के बाद क्रेडिट आने लगेगा, ठीक है। तो यहां देखिए CR लिखा हुआ है, तो CR का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्या होता है, क्रेडिट, तो यहां पर क्रेडिट और डेबिट के फॉर्म में एंट्री पास होगी, ठीक है। लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, तो ये याद रखिएगा कि कंपनी में जो फंड लगाया जाता है, पैसा लगाया जाता है, हम एक दुकान खोलेंगे तो पैसा कहां लगाएंगे, दुकान में ही ना लगाएंगे,
तो दुकान तो हमारा व्यवसाय हो गया, और जो भी व्यवसाय के लिए पैसा लगाया जाता है उसको कॉमर्स की भाषा में क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो कैपिटल बोलते हैं। तो यहां पर कैपिटल ही आपको लिखना है, एक लेजर क्रिएट करना है, एक खाता बनाना है। तो आप डायरेक्टली ऐसे कैपिटल लिखेंगे तो नहीं आएगा, ये देखिए ये एरर आएगा, देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। तो डायरेक्टली नहीं करना है, यहां पर आपको दिखेगा क्रिएट ऑप्शन, दिख रहा है, इस पे चले जाइएगा। आप माउस से जा सकते हैं या नेविगेशन की के इस्तेमाल करके भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रिएट पे जाकर के एंटर करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा। अगर आप क्रिएट पे नहीं जाना चाहते तो आप अल्ट के साथ सी प्रेस कर सकते हैं। क्या प्रेस कर सकते हैं? अल्ट के साथ सी, अल्टर सी, अल्टर सी प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप क्रिएट पे जाएंगे तो भी यही विंडो ओपन होगी, देखिए, ठीक है। अब यहां पर कैपिटल अकाउंट का एक यहां पर नाम हमें दे देना है, कैपिटल अकाउंट, ये हो गया, एंटर किया, एंटर। और इसका ग्रुप देखिएगा, कैपिटल का ग्रुप क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, ये कैपिटल जो हमने लेजर बनाया है इसका ग्रुप क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। क्या ग्रुप होगा? कैपिटल अकाउंट। तो हमको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही चूज करना है। मान लीजिए आपको कैपिटल अकाउंट इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गया कैपिटल अकाउंट, तो आप क्या करिएगा, कैपिटल की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? सी से, तो सी प्रेस कर दीजिएगा खाली। तो देखिए सी प्रेस करते ही सी वाला ग्रुप हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब आप खाली एंटर कर दीजिए, फिर 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 एंटर कर दीजिए, हो गया, हो गया ना। कितने से बिजनेस स्टार्ट किए हैं? 50,000 रुपए से। तो 50,000 अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए, ये 5,000 हो गया और ये 50,000 हो गया, एंटर कर दीजिए। अब नीचे देखिए डीआर आ रहा है, डीआर का मतलब होता है डेबिट। क्या होता है? तो डेबिट मतलब कि अब पैसा आप किस चीज के फॉर्म में लगा रहे हैं, खाते से लगा रहे हैं या कैसे पैसा लगा रहे हैं, कंपनी में पैसा किस फॉर्मेट में लगा रहे हैं, बैंक खाते से लगा रहे हैं कि कैश डायरेक्टली डाल रहे हैं अपने कंपनी में, कैश डायरेक्टली लाएंगे, कुर्सी लाएंगे, टेबल लाएंगे या सामान मंगाएंगे, होलसेल सप्लायर है, दुकान खोल रहे हैं तो टॉफी बिस्कुट जो भी सामान है वो मंगाएंगे ना, तो वो कैश में मंगा रहे हैं मान लीजिए। तो कैश का लेजर नहीं बनता है, कैश का लेजर पहले से दिया होता है, ठीक है। तो आप इसी को यहां से नेविगेशन की से जाके एंटर कर दीजिए, आपको अमाउंट भी नहीं डालना है, अमाउंट अपने आप आ जाएगा, एंटर करिए और यहां नरेशन डाल दीजिए, ठीक है। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? सुनील स्टार्टेड, या आप हिज बिजनेस विथ कैश रुपीज कितना, 50,000 है ना, 50,000 ये लिख दीजिए, हो गया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, यही आपकी एंट्री है, समझ में आया। अब इस एंट्री को जब देखना होगा तो यहां से बाहर आएंगे, ESC बटन, इसके बटन प्रेस करके बाहर आएंगे, दो बार कर देंगे आ गए। और अब हमको वो एंट्री देखनी है जो सेव हुई है, तो कहां जाएंगे? डिस्प्ले पर, ये देख रहे हैं डिस्प्ले, या डेबुक पे जाएंगे, डिस्प्ले पर ना जाके डेबुक पर। डेबुक का क्या हाईलाइट है? के, तो खाली के प्रेस कर दीजिए, देखिए यही वाली एंट्री की, एंटर करिएगा दिखेगी आपको। प्रिंट करवाना होगा, अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, आई प्रेस कर दीजिएगा, देखिए, ठीक है।